हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। देखिए जो करंट सेशन है 2021, इसमें CBSE ने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं और उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसको फिफ्थ यूनिट में मर्ज कर दिया गया है एंड द फिफ्थ यूनिट इज चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। और जो फिफ्थ यूनिट है इसको जो यूनिट बनाया गया है, प्रपोज यूनिट कह सकते हैं हम उसको, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। इस चैप्टर में जो प्रपोज कंटेंट्स हैं वो हैं कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी, कॉलिशन सिस्टम। अब क्योंकि चैप्टर का जो नाम है या प्रपोज यूनिट जो है वो क्या है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल क्या हैं। तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। यानी कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो चुनाव में भाग लेने और सत्ता हासिल करने की हैसियत से काम करता है। और यदि कोई भी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती तो हम उसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते। अब जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ अनिवार्य तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी जिससे पार्टी बनती है। तो देखिए पार्टीज़ में किन किन का किन किन बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले लीडर्स, यानी कि नेता, कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, उसमें उस पार्टी की विचारधारा या आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो लीडर्स का होता है। आप BJP को ले लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, मे बी आप आम आदमी पार्टी को लीजिए, बसपा को लीजिए, समाजवादी पार्टी को लीजिए, जितने भी इनके लीडर्स हैं वो अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाते हैं, इसलिए लीडर्स का होना ज़रूरी है। एक्टिव मेंबर्स यानी कि सक्रिय सदस्य। अब एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं, पार्टी में बहुत से काम होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और उसे चलाना, वो सारे काम एक्टिव मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, फॉलोअर्स यानी कि अनुयायी, जो ग्रास रूट वर्कर्स होते हैं। अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो मीटिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, तो इन सब के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वो फॉलोअर्स जो है वो इन सब का काम करते हैं। तो इस तरह से थ्री कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट जो है वो आता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ अनेकों काम करती हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट्स करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि जनता के समक्ष अलग अलग तरह की जो नीतियाँ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको जनता के सामने रखना, यानी कि
वोटर्स के सामने रखना ताकि वोटर्स उनके पक्ष में वोट दे दें। नेक्स्ट, टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। अब देश में समय समय पर नए नए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, नए कानून बनाए जाते हैं और कुछ पुराने जो लॉ हैं उनमें अमेंडमेंट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कानून बनाती हैं। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। अब राजनीतिक दल सरकार बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, यानी चुनाव के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है, तो सरकार बनाती भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज और चलाती भी हैं। प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन, विपक्षी दल की भूमिका निभाना। अब इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो सरकार बना लेती है और जो अदर पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, विरोधी दल की भूमिका निभाती हैं। उनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम करती है जनता को तक पहुंचाना, और इसके साथ साथ यदि कोई गलत काम है तो उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी राजनीतिक दल जनमत का निर्माण भी करते हैं और इसके साथ साथ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो योजनाएं कौन सी हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें भी, यानी ये सब बातें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता तक पहुंचाती हैं। और ये सारा टॉपिक जो भी है ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। और अब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग पार्टी सिस्टम पाया जाता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है, यानी एक दलीय प्रणाली ही पाई जाती है, जैसे चाइना। चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें बाय पार्टी सिस्टम पाया जाता है। बाय पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि उन देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दलों को मान्यता होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। लेकिन इन इंडिया, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो पाया जाता या है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, जिसमें बहुत से राजनीतिक दल होते हैं, कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, और इन सबको मान्यता जो देता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का चुनाव आयोग देता है। कौन सी पार्टी रीजनल होगी, कौन सी नेशनल होगी, ये सब काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखिए, इंडिया में टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं 2598। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, यानी कि लेटेस्ट पब्लिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 2019 में इलेक्शन हुए थे उस समय की है। अब उसमें नेशनल पार्टीज जो हैं, 8 नेशनल पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है। अब वो कौन कौन सी पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी,
इसके बाद बीजेपी 1980, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी जो है 1984 में काशीराम के द्वारा बनाई गई थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, सीपीआई से ही एक और पार्टी बनी, इस पार्टी में यानी कि सीपीआई में फूट पड़ गई थी, पार्टी का विभाजन हुआ और एक नई पार्टी बनी सीपीआईएम 1964 में। इसके बाद जो आता है वो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 99 में शरद पवार ने बनाई थी। इसी तरह से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने 1998 में बनाई और 2013 में एक नई पार्टी जो कि पी ए संगमा ने बनाई, एनपीपी। तो इस तरह से इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे रखी। इसके बाद स्टेट और रीजनल पार्टीज, यानी कि ऐसी पार्टीज जिनकी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है, जो कि कितनी है, टोटल 52, जिसमें से कुछ पार्टीज जो है वो आम आदमी पार्टी है, इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा में ये पार्टी जो है वो काफ़ी फेमस है। इसके बाद है शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम में, नागालैंड पीपल्स फ्रंट, ये नागालैंड है यहाँ पर ईस्टर्न स्टेट्स में, और मणिपुर पीपल्स फ्रंट, ये जो पार्टी मणिपुर में काफ़ी फेमस है, यानी कि इन पार्टीज़ का इन पर्टिकुलर स्टेट में काफ़ी होल्ड है। तो इस तरह से इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना, नाम सुना होगा आपने, तो ऐसी टोटल 52 पार्टीज हैं। और इस तरह से इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी हम देखें तो वो कौन सी है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि 1885 में बनी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सब यानी कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस कब बनी, कौन कौन से लीडर्स थे, कांग्रेस ने कब तक जो है वो शासन किया।